फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। बदलते भारत की तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है कि पहले जो नारा पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया तक सीमित था, अब वो खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया में बदल चुका है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्रोत और जरूरत की चीजें उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को दिए हैं और ये भी कहा है कि देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी देश की आन बान और शान का प्रतीक हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल लेवल तक खेलकर देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीतकर खूब नाम कमाया, वो आज राज्य सरकार से निराश होकर पिछले 5 दिन से धरने पर बैठा है। मेरठ का रहने वाला खिलाड़ी सचिन चौधरी, जिसने स्पोर्ट्स स्टेडियम में देश के लिए गोल्ड जीतने के लिए जुनून की हद तक जाकर कड़ी मेहनत की, रात दिन पसीना बहाया, आज वही खिलाड़ी अनशन पर बैठने को क्यों मजबूर हुआ। दरअसल स्वर्ण पदक विजेता सचिन चौधरी कई सारी उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद प्रदेश सरकार की ओर से पैरा खिलाड़ियों की अनदेखी किए जाने से काफ़ी आहत हैं और यही वजह है कि ओलंपियन पैरा एथलीट सचिन चौधरी आज अनशन पर बैठे हैं। क्या वजह है कि मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा के संज्ञान में ये बात आने के बावजूद भी वो खिलाड़ियों की मदद को आगे नहीं आ रहे। ये दया भीख का मामला नहीं बल्कि हक की लड़ाई है जिसे सचिन चौधरी और उनके साथी खिलाड़ी मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो प्रदेश सरकार से कोई मदद मिलती नजर आ रही है और ना ही शहर के कर्ता धर्ता को उनकी परेशानियों से कोई मतलब जान पड़ता दिखाई देता है। जी, मामला तो इन्हें सब संज्ञान में है इनके बहुत पहले से, क्योंकि मैं लगातार 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, लगातार इन्हें मेमोरेंडम देता हूँ, कोई सुनवाई नहीं। जब हुई तो तब मुझे जब बहुत मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है, एज ए ओलंपियन होने के बावजूद भी मुझे धरने बैठना पड़ा, और ना ही तो इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग मुझे दी जो इन्हें बहुत पहले दे देनी थी, और ना ही जो पैरा खेल नीति बनानी थी ना ही वो आज तक इन्होंने बनाई है इन्होंने, तो ये उन्हें बहुत पहले नीति बना देनी थी। ये लगातार बातों को घुमा रहे हैं, वही बात हर बार बता देते हैं, नीति बनाने का काम शासन का है, कोई खिलाड़ी नीति नहीं बनाते हैं, तो फिर भी आज तक ये नीति नहीं बना पाए हैं। कितने साल हो चुके हैं आपको खेलते खेलते और कब इन्हें नौकरी का इन्होंने वादा किया था, कब ये होना था और कितना डिले इसमें हो चुका है? जी, वादे की बात नहीं है, उसका जियो है वो देनी ही है, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट को, एशियन गेम्स के मेडलिस्ट को इन्हें जॉब देनी ही है एक टाइम फ्रेम के अंदर। मैं अभी आपको जियो भी दिखाऊंगा उसका, इन्हें पता भी है, उसमें ये टेक्निकली करके बच रहे हैं कि वो इसे जो मेरे 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है उसे भी पैरा बता के बचने की कोशिश कर रहे हैं कि नीति नहीं है नीति, जबकि यही बनानी है। और जबकि मैं पैरा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है उसकी जॉइनिंग जो रुकी हुई है वो मुझे दे दो, तो इन सब चीज़ों में ही बच रहे हैं कह के। तो क्या रीज़न आपको वो देते हैं जब आप अपनी मांगे उनके सामने रखते हैं, तो क्या वो आपको तर्क दे देते हैं कि अभी किस वजह से ये ऐसा नहीं कर पा रहे? पिछले काफ़ी सालों से चल रहा है, उनके पास तर्क कुछ नहीं है, बोल देते हैं कि उस विभाग को नीति बनानी है, वो विभाग बोलता है कि उन्हें बनानी है, खिलाड़ी एक आध बार नखड़े हो जाता है, दो बार जाता है, बस फिर अपने घर बैठ जाता है, उसी बात का ये फायदा उठा रहे हैं। नीति बनाने का काम शासन कैसी बनाओ तुम बनाओ, हमें थोड़ी पता है कौन से विभाग से बननी है क्या होना है, तो वो बार बार ये जवाब देते हैं, और जहाँ तक नियुक्ति का संबंध है उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं है। तो आपने जब इस बात को डीएम तक पहुँचाया तो उनका क्या कहना? डीएम साहब का कहना है कि यदि हम इसे नियुक्ति देंगे शासन से जो बात उनके साथ हुई होगी तो ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात हो जाएगी, जो क्योंकि मैंने मेडल जो है ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल है, मैं अकेला पैरा का ऐसा खिलाड़ी हूँ देश में जो ये मेडल जीत पाया हूँ आज तक, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ मैंने की है, तो आप भी करो ना चीज़ वो मेरे लिए, तो ये मेरी मांग है। तो यहाँ पर मतलब कि आपने देश के लिए कुछ बढ़ चढ़कर किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है, तो उसको वो आपको तर्क दे रहे हैं कि आपने ज्यादा कर दिया, क्या देश के लिए ज्यादा करना मतलब गलत है, ये एक मजाक की बात है। ये मजाक ही हो गया है, मुझसे गलती होगी कि मैं कॉमनवेल्थ गेम का मेडल जीत के लिए ला के दिया है, देश ने जो 66 मेडल कॉमनवेल्थ गेम में जीते थे उसमें भी एक जीत गया, मुझसे गलती होगी, गलती ये होगी जो 66 में से 65 मेडल जीते वो जनरल खिलाड़ी जीते और जो एक मैच जीता वो पैरा जीत गया, ये मुझसे गलती होगी है। तो सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने आपसे क्या कुछ कहा है? जी, सांसद जी से मुझे पुराना परिचय भी है, वो आए वो बोल रहे थे कि आपने मुझे पहले भी 1.5 साल संज्ञान में दिलाया था, मैंने पहले भी उन्होंने भी लेटर खेल मंत्री को भेजा था, जब भी कुछ नहीं हो रहा है फिर मुझे कह रहे कि आप प्लीज़ खड़े हो जाएं, वो पिता तुल्य हैं, बड़े हैं हमसे, मैंने कहा आपका रेस्पेक्ट है हर तरह से, पर मैं कैसे कैसे उठ जाऊँ, ये मेरे साथ बच्चे भी बहुत दिन से बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे हैं, ऑल ओवर यूपी के जो विकलांग हैं सब मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि भैया हमारे लिए कुछ करेंगे, जब मुझे लगातार फोन आते रहे, जब कुछ करके ही नहीं दिया, जब मुझे मजबूरी बस ये बैठना पड़ा है।
पिछले 6 दिन की बात करें तो कहानी तब से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से चलती आ रही है। एथलीट सचिन चौधरी को उनकी नौकरी से जुड़ा भी कोई पत्र नहीं मिला, मिला है तो सिर्फ आश्वासन, लेकिन उसके भरोसे कोई कब तक शांत रह सकता है। एक खिलाड़ी जिसने अपना जीवन देश के नाम कर दिया, उम्मीद से बढ़कर करके दिखाया, एडवांस लेवल पर विजेता बनकर दिखाया। साल 2003 में ही पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद 4 कॉमनवेल्थ गेम्स, 3 एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने और 2012 लंदन पैरा ओलंपिक गेम्स में न सिर्फ हिस्सा ले चुके हैं बल्कि जीत कर आए हैं। सचिन चौधरी प्रदेश सरकार से मदद की राशि और खेल कोटे में नौकरी की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन केवल निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं आ रहा। इस मामले की तरफ किसी ने कोई तवज्जो देने की कोशिश नहीं की, लेकिन मीडिया द्वारा जब इस मामले को काफी ज्यादा उछाला गया तो सिर तक मामला पहुंच गया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल की भी नींद टूट गई। उसके बाद वो खिलाड़ी से मिलने स्टेडियम पहुंचे और उन्हें अनशन खत्म करने के लिए कहा, लेकिन सचिन चौधरी ने इनकार करते हुए कहा कि पहले दबंग खिलाड़ियों की मांगे पूरी होनी चाहिए जिसके बाद वो अनशन खत्म कर देंगे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सचिन को यह आश्वासन दिया है कि खेल मंत्री गौतम गंभीर को पत्र लिखकर इस परेशानी से अवगत कराया जाएगा, लेकिन सवाल यहां खत्म नहीं होता। कौन इस बात का जवाब देगा कि जिसे जनता की परेशानियों का निवारण करना चाहिए वो अपने एसी ऑफिस से निकलकर मामले की सूह तक लेने नहीं आ पाए। खेल मंत्री 5 दिन बाद की मुलाकात रख रहे हैं। ऐसा क्या जरूरी काम है जो देश के लिए स्वर्ण पदक जीते हुए खिलाड़ी जो पिछले 6 दिन से भूखा प्यासा नींद चैन त्याग कर अपनी जायज मांगों को पूरा कराने की आस लिए बैठे खिलाड़ी से भी ज्यादा जरूरी है। सवाल ये भी है कि देश को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि वो शख्स ऐसे ही बैठा रहे जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलता। मात्र आश्वासन के बल पर वो भी इस मुहिम को बीच में खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को उनसे उम्मीद है। जब तक खिलाड़ी अपने और अपने साथियों की हक की लड़ाई लड़ रहा है, वो क्या सरकार के नुमाइंदों का ये फर्ज नहीं बनता कि जल्द से जल्द इस ज्वलंत मामले पर कोई उचित निर्णय किया जाए। ये आवाज पहुंचनी चाहिए उन कानों तक जिनको इन्हीं कामों के लिए कुर्सी पर बैठाया गया है, लेकिन वो अभी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। हमारी तरफ से इतना ही, अब जंग आपकी है, क्योंकि ये वीडियो इतनी दूर तक जाना चाहिए कि धरने पर बैठे सचिन चौधरी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार।